हेलो दोस्तों, मैं धीरज से नहीं, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसा ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो चलिए गुणसूत्र क्या होता है इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो चलिए प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, और क्रोमैटिन का नाम सबसे पहले फ्लेमिंग ने रखा था। और कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमैटिन होता है वो क्रोमैटिन अनेक मोटे और छोटे धागे के रूप में क्या हो जाता है, संगठित हो जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों का नामकरण सबसे पहले वाल्टेयर ने किया था। और जो गुणसूत्र होता है तो गुणसूत्र के ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं और मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं और उसके जो निचली भाग होता है उसको क्या कहते हैं, टेलोमर कहते हैं। और गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है और गुणसूत्र में ही क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और डीएनए में ही जीन पाया जाता है। जो जीन होता है आनुवंशिकता का मुख्य आधार होता है। अगर अभी तक के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बात करते हैं कुछ जीवों में उपस्थित क्रोमोसोमों की संख्या के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मानव में 46 गो क्रोमोसोम होते हैं, आलू के पौधे में 48, तंबाकू में भी 48 होता है, और साथ ही साथ जो कबूतर होता है कबूतर में 80 गुणसूत्र होता है, और टमाटर के पौधे में 24 गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो प्लीज ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।